तो बेटा वही सम है, उसको अब हमने एलिमिनेशन मेथड से करना है, ठीक है। इसी को एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो x का कॉफिशेंट जो है वो बराबर है, तो हम इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देते हैं। ये एक नंबर इक्वेशन है, ये दो नंबर इक्वेशन है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो इसका निशान चेंज करेंगे, इसका निशान प्लस करेंगे, इसका निशान माइनस करेंगे, ठीक है। ये 3x प्लस का, ये 3x माइनस का, ये कट गया, और 4y और प्लस वाई, ये 5y हो गया, इक्वल टू 6 भी माइनस के, 9 भी माइनस के, तो कितने हो गए, माइनस के 15 हो गए, तो वाई इक्वल टू -15 ओवर 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो अब हम एक्स की जो निकालेंगे वो किसी भी इस पहली या दूसरी इक्वेशन में वाई की वैल्यू भरेंगे, तो यहाँ पर भरते हैं 3x माइनस वाई, वाई की जगह हम -3 लिखेंगे, क्योंकि वाई -3 की है इसलिए यहाँ माइनस भी है और हमने यहाँ पर ब्रैकेट डाल ली है, इजिकल टू 9, ठीक है। तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 इजिकल टू 9, तो 3x इजिकल टू 9, ये -3 जो है इधर जाके माइनस हो गया, तो 3x इजिकल टू 6, x इजिकल टू 6 ओवर 3, दैट इज x इजिकल टू 2। तो पहला जवाब हमारा वो भी वही आया था, x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू -3, ये हमारा अल्टरनेटिव आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ओके।